यार चल दुनिया नहीं ये बबल, चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी बल उस बार निकलते हैं, यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा। ये रो क्यों रहा है मोमो? इसने पार्टी कर दी है नुसरत। महमूद? हाँ जी, इसने महमूद की हुई है पार्टी। अरे तू इसका पैंपर चेंज करा दो यार। इसके पैंपर खत्म हो गए, जाए लेकर आए। अरे जब पैंपर खत्म हो गए तो फिर लाऊं कहाँ से? दुकान से। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, तुम लंगोट बांध दो ना। मेरे लंगोट बांधने से आपके पास पैसे आ जाएंगे रहान? महमूद, आपके पास महमूद आ जाएंगे? अरे यार ये पैंपर वैम्पर छोड़ो, सब माए लंगोट बांधती है, तुम भी लंगोट बांधो। मैंने तो आज तक किसी माँ को ना लंगोट में नहीं देखा। बच्चे को लंगोट बांधो। तो फिर लंगोट लेकर आए जाएं। अरे कहाँ से लाऊं यार, मेरी पेंशन की सारी रकम खर्च हो गई है। तो फिर इसका दूध कहाँ से आएगा? देखो ये दूध वूध छोड़ो, इसे चाय की आदत डाल दो। चुप। ना 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 मेरे पुत्र, तू ना रो, तुझे नहीं कह रही थी मैं, तेरी माँ भी जिंदा है, तेरे लिए तेरी माँ दूध और पैंपर्स लेकर आएगी। हाँ जी। अरे सोना चुप कर जा यार, खुदा के लिए चुप कर जा, ये आदत भी माँ पे गई है। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल, ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल, चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी बल उस बार निकलते हैं, यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा। ये मम्मा डूडू लेके आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं मम्मा डूडू लेके मेरी प्यारी चांदी की। नबील? हाँ। मैंने चांदी के लिए फ्रिज में फीडर बना के रखा था, किसी ने सारा दूध निकाल लिया फीडर से, फिर बनाना पड़ा। हो सकता बिल्ली पी गई हो जानू। बिल्ली फीडर से दूध कैसे पी सकती है यार? हो सकता है उसके बच्चे ने पी लिया हो जानू। किसके बच्चे ने? बिल्ली के। नबील, बिल्ली का बच्चा फ्रिज का दरवाजा कैसे खोल सकता है यार? अरे उसकी माँ ने खोल दिया होगा। क्या? अरे यार मेरी बच्ची भूखी है, दूध दो इधर। लो चांदी दूध आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेके जा सकते हैं। क्या हुआ जानू? नबील, चांदी के पैंपर्स चोरी हो गए हैं यार। क्या? जो पैंपर चोरी हुए वो चांदी के थे? नबील, हमारी बेटी चांदी के पैंपर्स चोरी हो गए हैं। जानू, चोर पैंपर ले जाकर क्या करेगा? चोर नहीं, तुम्हारी माँ लेकर गई है। क्या? हाँ। खूबसूरत, तुम मेरी माँ पर पैंपर चोरी करने का घटिया इल्जाम लगा रही हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है यहाँ से माँ जी को जाते हुए। खूबसूरत, इसका मतलब है दूध भी उन्होंने चोरी किया होगा। बस खूबसूरत बस, खबरदार जो तुमने मेरी माँ पर इल्जाम लगाया। तो ठीक है, लेकिन कल से अपनी बच्ची के लिए दूध और पैंपर अपने पैसों से लेकर आना। मैं अभी बात करता हूँ जानू महमूद साहब से, कि आप इस घर में पैंपर और दूध चोरी होगा। हम क्या किचन में चौकीदार रखेंगे? मैं अभी बात करता हूँ, तुम जरा चांदी को देखो। मिले महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब, क्या बात है नबील, क्यों शोर मचा रहे हो? माँ जी कहाँ है? अरे उसे बुलाना था तो उसे आवाज देते, मेरी नींद खराब क्यों की है भाई? माँ जी है कहाँ यार? माँ जी, माँ जी। हाँ बोल। आपको शर्म नहीं आती? तुझसे क्या शर्म, तू तो मेरा भाई है। बेटा? हाँ मेरे भाई का बेटा है ना। उफ़। माँ जी, आपने रात को फ्रिज से दूध निकाला था, हमारा फ्रिज दूध देता है। माँ जी,
चांदी की फीडर फ्रिज में रखी थी और उसमें से दूध गायब था। चूहा पी गया होगा। माँ जी चूहा दूध नहीं पीता। हाँ तो फिर क्या चाय पीता है? अरे तुम अपनी माँ पर दूध चोरी करने का इल्जाम लगा रहे हो? सिर्फ दूध नहीं, इन्होंने मेरी बच्ची के पैंपर्स भी चुराए हैं। क्या? खबरदार, मैंने पैंपर चुराए नहीं है, पैंपर पहनाए हैं। किसको? तेरे भाई को। अब क्या तेरे भाई को पैंपर भी नहीं पहना सकती हूँ मैं? है अगर पहनाने हैं तो अपने मियाँ के पैसों से पहनाए ना। मेरे पापा ने आपके बच्चे को पैंपर पहनाने का ठेका नहीं ले रखा। नबील तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी बीवी बोल रही है, ये काफी नहीं है? नबील महमूद साहब, अगर आपने अपने बच्चे को यशी करानी है ना तो नौकरी करें। मैं अपने ससुर के पैसों पर यशी करने की इजाजत नहीं दे सकता। रो मत मोमो। शुमेला ने आज मुझे बड़ा वकील किया है। डील जलील। हाँ जी, उसने मुझे वकील किया है जलील। कैसी बातें कर रही हो मोमो? बच्चे अगर बड़ों को बेइज्जत कर दे तो उसे जलील करना नहीं कहते। तो फिर क्या कहते हैं? अब देखो, खूबसूरत ने मुझे भी तो नौकरी का ताना दिया ना। अब ये थोड़ी है कि मैं घर के सारे काम छोड़कर नाराज होकर जाके नौकरी कर लूं। अरे मोमो, जब मालिक मकान किराएदार को जलील कर सकता है तो फिर वो तो हमारे बच्चे हैं, उनका हक है हमें जलील करने का। हाँ। मैं कुछ नहीं जानती, आप नौकरी कर लें जमशेद। महमूद। हाँ बेशक, महमूद की नौकरी कर लें। अरे यार, मैं तो पहले ही रिटायर हूँ, अब मुझे नौकरी कौन देगा? वो तो करके देखे ना। वो क्या? वही जो सब करते हैं। अरे वो तो मैं भी करता हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम इन बातों को चलाओ, सोने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ कोशिश, आप नौकरी की कोशिश करके तो देखे ना। अरे मोमो, मैं कोई तुम्हारी तरह जवान थोड़ा हूँ, मुझे कोई भी नौकरी पे नहीं रखेगा। तो फिर ठीक है, मैं नौकरी करूँगी। हाँ मैं आपको नौकरी करके दिखाऊंगी। वो जो तुम मुझे करके दिखाओगी वो नौकरी होगी? चुप। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नबील। किससे महमूद साहब? अपने आप से। आज मैं क्यूट लग रहा हूँ ना? बदमाशी करो, तुम्हारी माँ नौकरी करने जा रही है और तुम यहाँ बैठे हो। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ महमूद साहब। अगर माँ जी नौकरी कर सकती हैं, तो तुम भी कर सकते हो। नहीं तो खूबसूरत भी नौकरी कर सकती है। क्या? हाँ महमूद साहब, मैं ये नहीं होने दूंगा कि इस घर की एक औरत तो नौकरी करे, मजदूरी करे और दूसरी घर में बैठ के अय्याशी करे। नबील। हाँ जानू। आके जरा चांदी को नहलाओ। अच्छा जानू। महमूद साहब आप चाय पी लें, मैं जरा चांदी को नहला लूं। हमारी कंपनी को एक जवान हसीन एयर होस्टेस की जरूरत है। विश्वाशी है लाजी। हाँ जी, हेलो। कौन साहबा बात कर रही है? नहीं जी, मैं साहबा बात नहीं कर रही, मैं नरगस बात कर रही हूँ। हाँ जी। कौन नरगस? हाँ जी मैं नरगस हूँ। मेरा मतलब आप हैं कौन? मैं लड़की हूँ। अरे भाई फोन किस लिए किया आपने? वो आपने अखबार में इश्तहार दिया है ना? जी जी। हाँ जी, तो मैं नौकरी पक्की समझूं? अरे पहले आकर इंटरव्यू तो दे भाई। आए आप मेरा इंटरव्यू चलाएंगे? आएंगे नहीं बीबी, इंटरव्यू लेंगे। अच्छा जी, हाँ तो फिर मैं तैयार हूँ। आपकी उम्र कितनी है? थोड़ी सी है। अरे है कितनी? जी मेरी उम्र 10 जमा 10, उसमें और 4 जमा और कर लें तो जरा इक्वल टू, मैं जी 24 साल। और आपकी इंग्लिश? वो 15 साल की है। जी मेरा मतलब है मैं 15 साल की उम्र से ऐसी फ्रटे वाली अंग्रेजी बोल रही हूँ कि बस। बोल के दिखाएं? इंग्लिश। वेरी गुड, थैंक यू। आप ऐसा करें आज ही आकर इंटरव्यू दे दें। हुशवशी।
टेंशन प्लीज। सारे बेल्ट बांधो अपनी। यस। व्हाट आई गो टू टॉयलेट? जी जी मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। हेलो जी, मैं स्मीना फातिमा हूँ। लेकिन फोन पर तो आपने नरगिस बोला था। किसको? मुझे। ओए अल्लाह, आप नरगिस हैं? बैठिए। आपका वजन थोड़ा ज्यादा है। नहीं जी, ये आपकी कुर्सी में तेल डालने वाला हुआ है, ठीक हो जाना है सब। हाँ जी जी। हाँ जी। ये बताइए कि आपने पहले कभी मेजबानी की है? हाँ जी, वो शादियों से पहले जितने भी रिश्ते आते थे ना, सब का चाय पानी मैं खुद ही करती थी। वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड चाय देती थी मैं। आप शादीशुदा है? नहीं जी, मेरा बेटा शादीशुदा है। है? मैं कब से नौकरी पर आ जाऊँ? वैसे आप काफी इंटरटेनिंग है। बताए ना मैंने साइन कहाँ करने? वो हम आपसे कल करवा लेंगे। कल हम आपको आपका काम भी समझा देंगे। तब तक आप ऐसे करें, घर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। हिशवशी। माँ जी, माँ जी। खूबसूरत, तुम अपनी माँ को क्यों बुला रही हो? अपनी माँ को नहीं, तुम्हारी माँ को बुला रही हूँ नबील। सोना किधर यहाँ पे सो रहा है यार? हैं? महमूद साहब, महमूद साहब। क्या है यार, नबील सोने भी नहीं देते तुम? कैसे बाप है आप महमूद साहब? आपका बच्चा यहाँ अकेला सो रहा है और आप अंदर सो रहे हैं। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो नबील? महमूद साहब, मैं नहीं, आपका ये बच्चा, ये रहा, ये सो रहा है। मोमो कहाँ है? वो घर पर नहीं है। क्या? माँ जी सोने को छोड़कर कहाँ चली गई है यार? कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चली गई? किसको? अरे वो खुद घर छोड़कर तो नहीं चली गई नबील? माँ जी घर छोड़कर क्यों जाएंगी यार? तुम्हारी बीवी ने उसे इतना जलील किया था, इतना जलील किया था कि वो मुझे और सोने को छोड़ के कहीं चली गई है। खूबसूरत, अगर मुझे मेरी माँ ना मिली तो? तो क्या कर लोगे तुम? मैं पुलिस में जाके इत्तला करूंगा, और क्या। शट अप नबील। ओके जानू। मामा। मैं मुसाब, खुदा का नाम माने यार। आहिस्ता बोले, वो रोना शुरू हो गया। जी पैसे। और किस बात के पैसे? माँ जी टोलने बजाया है। तो मैंने तुझे डांस नहीं दिखाया है? चल निकल, दफा हो जाए इधर से। ओ यार माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? बेगैरत, गरीब, बेरोजगार इंसान, हट इधर से। माँ जी। चुप है। माँ जी। अरे मोमो, तुम कहाँ चली गई थी सोने को छोड़ के? हैं? तो आप इसका ख्याल नहीं रख सकते थे? हाँ मत महमूद। हाँ तो आप इसका महमूद नहीं रख सकते थे? माँ जी आप गई कहाँ थी यार? नौकरी के लिए इंटरव्यू देने। आप फैक्ट्री में काम करेंगी माँ जी? चुप है, तमीज से बात कर। मेरी जहाज में नौकरी लग गई है। हैं? जहाज में? जहाज में क्या आप झाड़ू मारेंगी माँ जी? झाड़ू ते मैं मारूंगी तेरे मुंह ते। मेरी ना उसकी जॉब लगी है। किसकी? वो जो जहाज में होती है ना उसकी। अरे जहाज में कौन होती है नबील? ओ महमूद साहब, जहाज में तो बहुत सारे लोग होते हैं यार। वो जो जहाज में टिकट चेक करती है ना, वो। जहाज में टिकट चेक करती है? हाँ, एयर होस्टल। ओ माँ जी, एयर होस्टेस। हाँ जी, एयर होस्टेस। अब मैं सारी दुनिया घूमूंगी। माँ जी आप पानी वाले जहाज की बात कर रही हैं? चुप है,
मैं उड़ने वाले जहाज की बात कर रही हूँ, आप पता लगा ना बच्चू हैं। माँ जी आप जहाज में बाद में जाइएगा, पहले अपने बच्चे को तो संभाल लें। अरे मोमो क्यों संभालेगी, इसका बाप क्या मर गया है? क्यों मोमो? आप मेरे बाप हैं। अरे नहीं, इस बच्चे का बाप मैं पालूंगा इसे, तुम अपनी फ्लाइट की तैयारी करो। ऐशा वशे ओ माँ जी क्या कर रही है यार? एयर पॉकेट, एयर पॉकेट, एयर पॉकेट। छोड़ दे। साहब ये सोना आप पे नहीं गया? कैसी लग रही हो रफीक? महमूद। हाय महमूद लग रही हूँ। अरे यार तुमने क्या जहाज में अंपायरिंग करनी है? नहीं। तो फिर ये क्या पहन रखा है तुमने? मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना। प्रैक्टिस? हाँ वही, मैंने ना इंग्लिश भी याद कर ली है, सुनाऊं आपको? सुनाओ सुनाओ। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। है ना, अच्छी है ना। अच्छा ये बताओ कि दोपहर को क्या बोलोगी? किससे? मेरा मतलब है मोमो, दोपहर को इंग्लिश में क्या बोलोगी? अच्छा गुड लेट मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा ख्याल है तुम हिंदी ही सीख लो। चुप है। कृपया ध्यान दें, हमारा विमान उड़ान भरने वाला है, यात्रियों से प्रबंध है कि अपनी पेटियां तो कस लें जरा। है? यात्रा के दौरान खड़े होना हानिकारक हो सकता है। है? इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर से तो मैं बात करना पसंद नहीं करती। क्या हो गया माजी को? मैं तो पहले ही बिजनेस क्लास में बैठा हुआ हूँ, काम का मुझे इकोनॉमी का पैसेंजर बना दिया है। चुप कर जा बेबी, चुप कर जा। मामा जहाज पे गई हुई है, मामा पैरे से। अगली दफा हम भी मामा के साथ जाएंगे, हमारा भी गाड़ी लगेगा। चुप कर जा मामा भी आ जाएंगे, मामा जहाज से टोपिया चुरा के लाएंगे, टिश्यू पेपर चुरा के लाएंगे, लकड़ी के गिलास लाएंगी। मुझे लगता है माँ जी बिल्कुल पागल हो गई। माँ जी पागल नहीं हुई, खुददार हो गई है। है? हाँ वो तुम्हारी तरह घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रही, जॉब कर रही हैं। अभी जॉब मिली कहाँ है? तो मिल जाएगी, मेरी माँ जितनी मेहनत कर रही है ना, वो एक ना एक दिन एयरहोस्टेस बन के दम लेंगी। पता नहीं कौन सी घटिया एयरलाइन में जॉब मिलेगी उन्हें। जानू जब मेरी माँ को एयरहोस्टेस की जॉब मिल सकती है, तुम भी तो पायलट बन सकती हो ना। खुद तो 5,000 की नौकरी नहीं होती तुमसे, और मुझे पायलट बनने का मशवरा दे रहे हो। तुम क्यों मेरी बेटी को मुझसे जुदा करना चाहती हो? मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ना ही मैं इसको छोड़ के कहीं जाऊंगा। क्या हुआ? मुझे लगता है इसने कपड़े गंदे कर लिए हैं। तो जाओ चेंज कराओ और हाथ के हाथ धो भी लेना। अच्छा जानू। हेलो। हाँ जी सलाम अलैकुम, मैं बोल रही हूँ एयर होस्टेस शाजिया। मुमताज। आप मुमताज बोल रही हैं? उसका नाम मुमताज नहीं है। हाँ जी पासपोर्ट तो है मेरे पास, मैं चाह रही थी अब इंटरनेशनल पासपोर्ट बनाना, वो जिसपे सारे मुल्कों के वीजे लगे होते हैं ना। हाँ जी, ताकि मुझे कोई रोक ना सके। हाँ हाँ जी हाँ जी, ओके थैंक यू बाय। क्या कहा उन्होंने? किसने? अरे जिससे फोन पे बात हो रही थी। हाय अल्लाह जी, ये तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी आजम सदीकी। ये देखो मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए पराठे बनाए हैं। अच्छा ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं मक्खन नहीं लगाया, अगर तुम कहती हो तो लगा दूँ। चुप है, जल्दी से जाकर चाय लेकर आए, आज मेरी जॉब का ना पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ। है अभी लाया मैडम। ओ आज तो नाश्ते में पराठे बने। खबरदार जो तुमने इसको हाथ लगाया। क्यों? ये मेरे लिए हैं। तो क्या मैं नहीं खा सकती आपके साथ? ओए अपनी औकात देख जमीला, कभी तूने
जिंदगी में किसी एयर होस्टेस के साथ बैठ के वो किया? वो क्या? वही जो मैं कर रही हूँ। छिचोरपन? ये देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। ये चाय इस गरीब को पिलाने औकात पीटी को। What? Oh you! चुप! Nobody is speaking English. I am the air hostess on in the bigger plane. You, why are you talking English? You who you हाँ? You who? मोमो, आ मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूँ। अच्छा नहीं चलेंगी। बस करो ना। Impressed by you me. Surface. ये रात को खाने में क्या पकाऊं? वो मैं जॉब में खा लूं। अच्छा चलो ठीक है। सोने के ना दूध का टाइम हो गया, मैं जरा उसे दूध पिला। हाँ प्लीज जा। अच्छा ठीक है, देखे शेरवानी साहब ये मसला हो जाएगा हल। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आइए बैठिए। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे साइन कर लें। देखें जी, आप खुद ही कर लें। वो मेरा अंगूठा काम नहीं कर रहा आज। जी ये बताएं जी, मेरी फ्लैट कब कब की है? फ्लाइट? हाँ जी फ्लाइट। बस आधे घंटे में निकलेगी। ओए लजी, तो मैं इतनी जल्दी एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगी? बाहर बस खड़ी है, आप उसमें चली जाएं। तो वो मुझे एयरपोर्ट लेके जाएगी? नहीं जी, उसके रूट में एयरपोर्ट नहीं है। तो फिर मैं उस बस में क्यों जाऊं? अरे ये आपकी जॉब है भाई। हाँ? वो ऐसी वैसी बस नहीं है, वो हमारी एयर कंडीशन नई एयर बस है, उसी के लिए तुमने इश्तेहार दिया था। एयर होस्टेस का? नहीं, एयर बस के लिए होस्टेस का। एक महीने में तुझे बस में कंडक्टरी करने वाली लगती हूँ है? अरे आप नाराज ना हो, आप चाहें तो हमारी लॉन्च में भी काम कर सकती हैं। हमने नई लॉन्च सर्विस शुरू की है किमाड़ी से मनोरा तक। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस बार चल,